हाय शार्क्स, मेरा नाम है जिगर मेहता। मैं हूं प्रफुल द्विवेदी। और मेरा नाम है पारस फतनानी। हम हैं हनी ट्रिक्स के co-founders। आइए शार्क्स, पिच शुरू करने से पहले कुछ मीठा हो जाए जो हमने आपके साइड टेबल्स में रखा है। स्किनर ना, एक स्पून मंगवाना पड़ेगा। हम चम्मच तो रखना भूल ही गए। टिश्यू गाइस, टिश्यू भी नहीं रखा, ये चिपचिप कैसे साफ होगी? देखा शार्क्स, थोड़ा सा शहद खाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। That's right. जार खोलो, चम्मच ढूंढो, चिपचिप साफ करो, इट्स ऑल अ कंप्लीट मेस। दुनिया में ऐसे कई पैकेजिंग रेवोल्यूशन हुए हैं जिन्होंने हमारा प्रोडक्ट यूज करने का पूरा तरीका ही बदल दिया है, जैसे टी बैग्स। ग्रेट एग्जांपल। या शैम्पू सैशेस देखें। ऐसा ही एक पैकेजिंग इनोवेशन हम लाए हैं हनी ट्विक्स के साथ। शार्क्स, हनी ट्विक्स एक ऐसा पैकेजिंग इनोवेशन है जिससे आप हनी को कहीं भी किसी भी जगह पर किसी भी टाइम कंज्यूम कर सकते हैं, चाहे वो आपका ऑफिस हो या बच्चों का टिफिन में स्कूल भेजना हो या आपके ट्रैवल पर हो। इट्स वेरी सिंपल, ऑल यू हैव टू डू इज टेयर, स्क्वीज एंड ईट। हम आपको केवल हनी ही नहीं दे रहे हैं, हम आपको दे रहे हैं मेस फ्री हनी, ऑन द गो हनी। हम आपको दे रहे हैं एनी टाइम एनी वेयर हनी। हनी ट्विक्स में आज हमारे पास दो नेचुरल वेरिएंट्स जैसे हिमालयन मल्टीफ्लोरा एंड नेचुरल लीची हनी, और 5 इन्फ्यूज्ड वेरिएंट्स जैसे सिनेमन इन्फ्यूज्ड हनी, वेनिला इन्फ्यूज्ड हनी, लेमन इन्फ्यूज्ड हनी, टर्मरिक इन्फ्यूज्ड हनी एंड जिंजर इन्फ्यूज्ड हनी है। ऑल आर हनीज एथिकली सोर्स्ड, और ये हमारे हनी के सारे बैचेस क्वालिटी और प्योरिटी के लिए लैब में चेक किए जाते हैं। इनफैक्ट हनी ट्विक्स इज 100% प्लास्टिक न्यूट्रल ब्रांड। शार्क्स, हनी ट्विक्स आज दुनिया के 9 देशों में बेचा जाता है। हम इसको अपनी वेबसाइट से, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस से और नॉर्मल रिटेल सुपरमार्केट से बेचते हैं। हम हनी ट्विक्स को होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कैफेटेरियाज और एयरलाइंस में भी सप्लाई करते हैं। शार्क्स, दुनिया में आज हनी का मार्केट साइज 81,000 करोड़ है और इंडिया विश्व का 6th लार्जेस्ट हनी प्रोड्यूसर है। हमारा विजन है टू चेंज द वे द वर्ल्ड यूजेस हनी। हमारी आस्क है 3% इक्विटी के लिए 75 लाख इन्वेस्टमेंट हमारे बिजनेस में। तो आइए शार्क्स, क्या आप हमारे साथ इस स्वीट बट नॉन मेसी डील में जुड़ेंगे? थोड़ा बताइए अपने बारे में, व्हाट इज योर बैकग्राउंड और कैसे आपने ये मार्केट को चूज किया? सो मैं दिल्ली से आता हूँ। मेरे फादर का कॉस्मेटिक रॉ मटेरियल का बिजनेस है जिसमें कोर प्रोडक्ट इज बीज़वैक्स। सो जब मैं छोटा था तो काफी एपियरीज उनके साथ विजिट करता था एंड मेरा हनी का लगाव वहां से शुरू हुआ। सो मच सो कि मैं जब अपना मास्टर्स किया यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर लंदन से, उसमें मेरा डिसर्टेशन भी हनी पर था एंड दैट आई टुक फॉरवर्ड टू कन्वर्ट इनटू अ बिजनेस मॉडल। नाइस, तो आप मेन फाउंडर हैं इस बिजनेस के? नो, सो मी एंड पारस आर को-फाउंडर्स। ओके। मेरा बैकग्राउंड, पिछले 10 साल से मैं मार्केटिंग और ब्रांड बिल्डिंग में काम कर रहा हूँ। मैं मुंबई में पढ़ा और बड़ा हुआ। 2008 में मैं लंदन गया हमारे मास्टर्स पढ़ने के लिए, जहाँ मैं और जिगर पहले मिले। 2016 में जब जिगर ने हमारे साथ ये आइडिया शेयर की, तब उसमें हमारा इंटरेस्ट बना। तब हमने जाके और रिसर्च की तो पता चला कि हनी यूजेज में एज एन ऑल्टरनेटिव शुगर 3 सबसे बड़े प्रॉब्लम्स हैं आज। एक है, सबको लगता है हनी बहुत मेसी है। दूसरा, हनी आज पोर्टेबल नहीं है, आप कहीं ले नहीं जा सकते। और तीसरा, एक ट्रस्ट फैक्टर कम था हनी में जो क्वालिटी के ऊपर बाउंड है। तो उस फ्रेमवर्क के साथ हमने प्रोडक्ट इनोवेशन में काम किया और फिर हमने बिजनेस लॉन्च किया। प्रफुल, आप? मुझे 25 साल का एक्सपीरियंस है इन फूड, नॉन फूड, FMCG और B2B बिजनेस में। मैं अपने करियर में कुछ इंडियन ब्रांड्स जैसे हिमालय हर्बल्स और VLCC के साथ में एसोसिएटेड रहा हूँ। जो दो लास्ट असाइनमेंट्स थे उनमें से एक था एज अ CEO ऑफ मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका फॉर VLCC इंटरनेशनल। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं VLCC के साउथ ईस्ट एशिया बिजनेस का चीफ बिजनेस ऑफिसर भी था और मैं सिंगापुर में बेस्ड था। प्रफुल, आपको ऐसा क्या दिखा इस बिजनेस में कि आपने डिसाइड किया स्टार्टअप को ज्वाइन करने के लिए? ये एक इस कैटेगरी का एक ऐसा यूनिक इनोवेशन है जो कहीं पर एग्जिस्ट नहीं करता। पर इतना कुछ है इसमें डिफिकल्ट? मतलब एट द एंड ऑफ द डे आपको बस पैक करना है हनी को एक प्लास्टिक सैशे में। ये एक आम सैशे की तरह सैशे नहीं है। टोमेटो केचप से या किसी और सैशे से अगर कंपेयर करें तो उनको खोलना नॉन मेसी नहीं होता है। इस सैशे में हमारी USP है कि एक भी ड्रॉप ऑफ हनी आपके इंस्ट्रक्शन के बगैर बाहर नहीं निकलेगा, और वो इंस्ट्रक्शन होगा उसको स्क्वीज करना। डाबर एंड काफी सारे स्क्वीजी ट्यूब्स आते हैं। Correct. अब आप बोल सकते हैं वो पोर्टेबल नहीं है, पर मेस फ्री हनी इन अ स्क्वीजी ट्यूब तो बहुत सालों से मिल रहा है।
VR पोर्शन पैक, ये 1 teaspoon है, which is 8 grams. So this is a perfect पोर्शन पैक. आप स्क्वीजी में, you can end up squeezing more. Analogy आपने दी टी बैग्स और सैशेस की, वो तो सिर्फ एक कमोडिटाइज पैकेजिंग हो गई जो सब करने लगे. ब्रांड तो वही पावरफुल है जो पहले भी थे. ऐसा नहीं है कि सैशे के कारण या पैकेजिंग के कारण नए ब्रांड ने आकर एग्जिस्टिंग ब्रांड को डिस्टर्ब कर दिया. तो आपको क्यों लगता है आप नया ब्रांड बना पाओगे जस्ट बिकॉज ऑफ पैकेजिंग? ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत यूनिक नहीं है, ये कोई भी सॉल्व कर सकता था, बट आज तक किसी ने सॉल्व नहीं किया था. तो एक डिस्ट्रप्शन अपॉर्चुनिटी थी जो हमने नोटिस की, जहां से हमने चालू किया. सेकंड, आज आप अगर हनी कंजम्पशन देखो तो जिस तरीके से लोग यूज करते हैं और जिस एस्पेक्ट्स में यूज करते हैं वो बदल रहा है. जैसे आज हर सुबह में आप लेमन वाटर और हनी यूज करते हैं, तो हमारे पास एक वेरिएंट है जो है लेमन इन्फ्यूज्ड हनी. आज अगर डाबर अगर आप यूज करते हैं या जो भी ब्रांड यूज करते थे, तो आपको एक लेमन आधा काटना होगा, हनी स्क्वीज करना होगा जिसका आपको पोर्शन नहीं पता है. तो ये एक कन्वीनियंस लाइफस्टाइल में ला रहा है. थर्ड है कि अगर आप सोचो बच्चों के लिए, अगर आप स्पून में किसी को हनी डाल के देते हो तो एक मेडिसिनल माइंडसेट बन जाता है बच्चों का. अगर आप इस पैकेजिंग में देते हो वो बच्चों के लिए एक स्वीटनर जैसा बन गया है जो एक रिप्लेसमेंट ऑफ कैंडी है. वेरी इंटरेस्टिंग. जो स्टारबक्स पे जो ट्विग्स मिलती है, आपकी ट्विग्स है? यस. ट्रायल करा दो फिर. अमन, आपको लेमन इन्फ्यूज हनी ट्राई करना चाहिए. हमें पता है कि आपको हनी पसंद नहीं है. पिछले साल का देखा है एपिसोड. जी सर. वेरी, यू आर वेरी चलाक ब्रो. इट इज वेरी इजी टू ओपन. वो तो आपने क्रैक किया. डिड इट स्पिल? इट डिडंट स्पिल. वेरी गुड. पैकेजिंग इज वेरी नाइस. और मैं फर्स्ट टाइम, मेरे को हनी भी पसंद है. हमारे लिए काफी बड़ा कॉम्प्लीमेंट है बिकॉज हम डे वन से इस बारे में बात कर रहे हैं कि अमन को हनी जरूर खिलाना. खिलाई, इमेजिन, मुझे अच्छी लगी. अपार्ट फ्रॉम पैकेजिंग, टेस्ट ऑल्सो इज लाइक अ बिग डिफरेंशिएटर एंड यू नो फ्लेवर्स. आपने ये क्यों नहीं बोला तब से आप पैकेजिंग में लगे हुए इतनी देर से? नहीं, ये दोनों हमारे लिए डिफरेंशिएटर है. हमारा आइडिया ये है कि जैसे आप हेल्दी ईटिंग को कन्वीनियंट बना सके, तो इस पैकेजिंग के मॉडल से हम बाकी प्रोडक्ट्स भी लाएंगे. बट अगर आप ये रिवर्स करते ना तो यूएसपी समझ आती. पैकेजिंग इज नेवर अ यूएसपी. आप अपने पैकेजिंग को ओवरसेल कर रहे हैं और आपका टेस्ट जो आपका स्ट्रेंथ है जिस पे आपने इन्फ्यूजन्स बना रखे हैं उसको अंडरसेल कर रहे हैं. आपने रेसिपीज बनाई हुई हैं तो यू कैन क्रिएट अ ह्यूज बिजनेस. तो पैकेजिंग शुड ओनली बी एन आउटकम. एंड योर प्रोडक्ट इन दिस आल्सो लुक्स वेरी कूल, वेरी नाइस, वेरी यू नो. आई वुड लव टू गिव दिस और एनीवन एल्स वुड लाइक टू गिव दिस. या तो ये जो हनी ईटिंग ऑडियंस है, आपने कभी उनको टेस्ट कराया है? जी. और उनका क्या व्यू आता है? हमारे वेरिएंट्स बहुत अच्छे लगते हैं बच्चों को स्पेशली. जब हमने लॉन्च किया था प्रोडक्ट, वी यूज टू पुट स्टॉल्स इन फूड फेयर्स. हमारे स्टॉल्स पे बच्चे आते थे जिनको कभी हनी नहीं अच्छा लगता था, लाइक उनकी मदर बोलती थी तो हनी खाता ही नहीं है. तो वनीला हनी दिया, उसको इतना अच्छा लगा वो 2-3 पैकेट लेके चले गए. वी कन्वर्टेड पीपल टू कंज्यूमिंग हनी विद आवर वेरिएंट्स. आपका है कुछ सोर्सिंग में डिफरेंशिएशन? आजकल इतने ब्रांड्स क्लेम करते हैं कि वो यू नो नेचुरल हनी. हमारा सारा हनी उत्तराखंड हिमाचल बेल्ट से प्रिक्योर होता है. आपका खुद का है? नहीं, आउटसोर्स होता है. तो आपको कैसे पता उनका हनी, तो हमने कैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है बीज को? एंड हमने 2020 में एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट लिया है जो एक वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर्स ऑफ हनी फ्रॉम इंडिया. हमारा वो बी कीपर्स के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं. उस रूट के तरीके से हम बीकीपर्स को एथिकल बीकीपिंग भी सिखाते हैं और जो प्रोडक्ट का पूरा प्रोसेस हमारे पास आता है उस पर हमारा पूरा कंट्रोल भी होता है. और पूरा पैकेजिंग हमारा खुद का बना हुआ है, कुछ आउटसोर्सिंग पैकेजिंग पे नहीं. ये हनी का मार्केट बढ़ रहा है कि श्रिंक हो रहा है? आफ्टर कोविड बढ़ रहा है बिकॉज एवरीवन वांट्स अ हेल्दी स्वीटनर. स्पेशली अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करें तो हम वहां पर हमारे पूरे मार्केट्स में बहुत बड़ा कंजम्पशन है हनी का. इट्स लाइक बिल्कुल रिलीजन की तरह यूज होता है और रिलीजियस पर्पसेस के लिए भी. अच्छा, ये कितना परसेंट ग्रो कर रहा है? ये 11% CAGR से ग्रो कर रहा है हर साल. ग्लोबली की इंडिया की बात कर रहे हो? इंडिया. प्राइस कैसा है कंपेयर टू मास प्रोडक्ट्स इन द मार्केट? 250 ग्राम्स का अगर हम एक कंपैरिजन ले ले जो 100 to 120 रुपीस के बीच में है, हमारा 240 ग्राम का पैक है 200 रुपए का. और अगर आप थोड़े प्रीमियम ब्रांड्स ले ले तो वो है 300 to 350 रुपीस. 3 टाइम्स है प्रीमियम ब्रांड्स. करेक्ट करेक्ट. क्या डिफरेंस है उनमें? Positioning of quality. चलिए अपनी सेल्स बता दीजिए आप. FY21 में हमारा सेल था 1.3 crores. FY22 में हमारा सेल था 2.6 crores. और FY23 में हमारा सेल था 4 crores. Nice. पिछले 3 महीनों में जून में हमारा सेल था 55 lakhs. जुलाई में था 18 lakh. अगस्त में था 35 lakhs. और सितंबर में भी रहा है 35 lakhs. ये डिप बता दीजिए 55 से 15
से 35 से 35 जून में एक एक्सपोर्ट ऑर्डर था जो 35 लाख का था which created a big increase. अगर एक्सपोर्ट को हटा दें इंडिया में आपकी मंथली सेल्स कितनी चल रही है? About 20 से 25 लाख. 65% of our sale is domestic. आपका डोमेस्टिक बिजनेस में रिटेल और होरेका का क्या ब्रेकअप है? 60% हमारा होरेका बिजनेस है, 40% हमारा रिटेल बिजनेस. FY24 में आपका प्रोजेक्शन क्या है रेवेन्यू का? 6 करोड़ अगर हम फंडिंग नहीं रेस करते हैं, और अगर हम फंडिंग रेस करते हैं तो एटलीस्ट 9 करोड़. नेट प्रॉफिट वाली भी नंबर बता दीजिए. FY22 में हम 7.5% से थे, FY2023 में हम 4% से थे. इस साल क्या प्रोजेक्टेड? हम लोग 3% नेट प्रॉफिटेबल रहेंगे. फंडिंग कितनी उठाई है? तो अभी तक हमने 2 राउंड रेस किए थे. एक था एंजल राउंड बहुत अर्ली 2017 में, जहां हमने 50 लाख रेस किए थे. 50 लाख एट व्हाट वैल्यूएशन? 2.77 करोड़ के वैल्यूएशन पे, पोस्ट मनी, प्री मनी. उसके बाद हमने 2020 में 1.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रेस किया, जो था 12 करोड़ के वैल्यूएशन पे, जिसमें हमने 50 लाख कैश में लिया और 1 करोड़ डिस्काउंट में लिया. उस डिस्काउंट का आज हमने 70 लाख ऑलरेडी यूज किए हुए और ये बाकी चल रहा है. ये किससे लिया था? जो ये हनी वेंडर के साथ हमने स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट किया उनके साथ. तो इक्विटी अभी आपके पास कितनी है तीनों के पास? 36% हम दोनों के पास है, 13% जो हमारे स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर है उनके पास है, और 15% जो इनिशियल इन्वेस्टर थे, जो एंजल थे, उनके पास है. प्रफुल ने एट दिस पॉइंट 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, और वो 5% इक्विटी होल्डर है. वाओ, यू इन्वेस्टेड 1 करोड़ ऑफ योर ओन मनी एज अ कोफाउंडर. दैट्स राइट, वेल डन. 20 करोड़ की वैल्यूएशन. जी सर. आपका कन्विक्शन इतना आपने बिजनेस में हाई है कि आपने मतलब बिजनेस में आके खुद पैसे डाले और इस वैल्यूएशन में कन्विक्शन की दाद देते हैं यार. मैंने सोचा था मैं हनी बिजनेस में कभी इन्वेस्ट नहीं करूंगा. पसंद ही नहीं है, बट मुझे आप लोग बहुत पसंद आया एज फाउंडर्स. थैंक यू. आई थिंक मैं आपके साथ काम कर सकता हूँ. प्रोडक्ट अच्छा है, टेस्ट सॉलिड था, मजा आया. डीएनए आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है. इवन आफ्टर रेजिंग सो मच यू नॉट गॉन, मतलब क्या बोलते हैं ना, ऑल आउट नहीं गए कि आपने यहाँ भी कर दो, वो भी कर दो, यहाँ भी कर लो. तो मेरा ऑफर 45 लाख एट 3% एंड 30 लाख डेट एट 10% फॉर 2 ईयर्स. आप फॉरेस्ट एसेंशियल्स को जानते हैं? जी. उन्होंने एक बहुत अमेजिंग चीज की थी. उन्होंने ताज, ओबेरॉय, ये सारे में भर भर के बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसिंग पे उनको देके सैम्पलिंग की, जिससे कंज्यूमर में डिमांड बहुत जागती थी, एंड देन बिजनेस बनाया अपना रिटेल. इफ यू लुक एट इट एज सैम्पलिंग, जहां आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं आपके ब्रांड से कंज्यूमर को ट्रायल कराने का, तो ब्रिलियंट है. एंड आई थिंक आपने जो दिमाग लगाया इसमें, इनोवेशन इसमें काफी थॉटफुली डिजाइन किया. आपने दो सेट है जिससे यहाँ से जब टेयर करेंगे इमीडिएटली हनी बाहर पॉप आउट नहीं आएगी. आई थिंक दिमाग काफी लगाया है आपने, एंड आई रियली लव दैट. तो मैं आपको ऑफर देती हूँ. अरे क्या बात, सब मुझे कॉपी करते हैं, वेरी बैड. 75 लाख फॉर 4%, बहुत जेनरस ऑफर है. अबाउट 18 करोड़ की वैल्यूएशन. इससे ज्यादा आपके प्रोजेक्टेड नंबर्स पे भी नहीं करता है. एंड एट सम पॉइंट इफ अमन वांट्स टू कोलैबोरेट, आई एम हैप्पी टू डू अ जॉइंट डील. अभी विनीता ने बहुत अच्छी पिच कर दी मेरे लिए और रितेश के लिए कि आपको होरेका सैंपलिंग करनी चाहिए, तभी आके आपका ब्रांड बनेगा और वहां से फिर आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए. मैंने सोचा कि रितेश को बिना पूछे ही, क्योंकि आई नो वट काइंड ऑफ गाइज इज, छोटे अरसे में हमारी दोस्ती हो गई, आपको एक ऑफर कर देते हैं. ड्रीम डील जो आपने मांगा वही. 75 लाख, 3%, होरेका डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग, गेम ही खत्म हो गया दोस्त. आज के दिन में हर रोज रात को सिर्फ भारत में 60,000 से 1 लाख लोग हमारे होटल्स में ठहरते हैं, और हमने बायोटीक के साथ सेम पार्टनरशिप करी थी. तो हम कोशिश करेंगे, आई कांट कमिट, कि हमारे सारे इन रूम सर्विस में हम हमारे होटल ओनर्स को इंट्रोड्यूस करें आपके साथ में. मैं रितेश और अनुपम के साथ जुड़ना चाहता हूँ इस ऑफर में, विच इज 75 लाख फॉर 3% इफ दे आर ओके. भाई करना है? भाई सुन, एक मिनट, रितेश को पूछ तो ले यार, बेचारे को ही डजंट वांट टू गो विद यू. वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना. मैंने तो हाँ कह दिया. हाँ कह दिया रितेश. भाई देखिए, रितेश अभी नए शाह के, तो उनकी बात नहीं डाल सकते हम. उन्होंने हाँ कर दिया, तो अभी पीयूष जी भी आएंगे, हमें 2 मिनट देंगे बात करने के लिए. जल्दी आइए, फटाफट आइए. हमारा ना थोड़ा अनऑन कॉम्पिटिटिव हो जाता है, तो हम आपको रिवाइज कर देते हैं. मैं आपको बताता हूँ, खाली ओयो तो है नहीं, इतने सारे होटल हैं, अगर आप ओयो में डालोगे तो शायद दूसरे होटल ना आए. आप समझ रहे हो मेरी बात? और रितेश भाई ना, वन ऑफ द बेस्ट जेंटलमैन, राइट? आई लाइक हिम. आई माइट नॉट से द सेम थिंग अबाउट अदर्स, बट आई रियली लाइक हिम. ठीक है, इनको पूछते हैं, अगर ऑफर नहीं मिले तो भी आप दोगे ना ओयो होटल में? डालोगे ना? ये डालेंगे. ये फाउंडर के लिए करते हैं, ये जाने के बाद भी बोलता है विश यू लक. नहीं करते आप? बोलो. करता हूं मैं.
तो ओयो आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी होटल्स भी आ जाएंगे, D2C भी आ जाएगा। यू नो मैं और विनीता आपको 75 लाख देंगे दोनों मिलके एट 4%। वो ऑनलाइन का राजा है, मैं ऑफलाइन की रानी। वी आर किंग मेकर्स। दिस इज द किंग मेकर ब्रो, आप सोच के आइए। और आके ये मत बोलना सारे आ जाओ मत करना, इनके साथ हमको नहीं करना। आप चेक वो बिल्कुल मत कर। देखो बुद्धिमान चाहिए कि अहंकारी चाहिए? अब बुद्धिमान ना, अभी डिसीजन बना के आइए। आपने शार्क टैंक देखा है? बाकी आप समझ जाते हो अहंकारी कौन है। लोग डील देते हैं, मैं दिल देता हूं। पिक वन गाइस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, लेट्स गो। मैं आपको कॉशन करता हूं कि यहां पे टैंक में व्हेन यू ओवर नेगोशिएट एंड व्हेन थिंग्स गो हेवायर तो डील्स इवेपोरेट हो जाती हैं। चले भाई क्या करना है? दो कॉम्बिनेशन हम सजेस्ट करना चाहते हैं। एक ऑप्शन है कि अगर आज आप पांचों आना चाहे तो 1 करोड़ फॉर 5 sharks। दूसरा ऑप्शन अगर वो आप पांचों नहीं मान पाते तो हम रितेश, पीयूष और अनुपम आपका ऑफर लेंगे। चलिए वो करते हैं, 75 lakhs फॉर 3%। डील पक्की। ऑलराइट ब्रो। आई हेट हनी। I thought I will start eating honey. I will stop it again. Many best wishes. Thank you. All right. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.